लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सोराइसिस होने पर नजर आते हैं ये शुरुआती लक्षण, ऐसे करें इससे बचाव। तो कैसे बचाव करना है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोराइसिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। सोराइसिस होने पर त्वचा में मोटी सूखी फीकी पपड़ी नजर आने लगती है। इसमें खुजली हो सकती है और दर्द वाले धब्बे भी होते हैं। सोराइसिस से शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर सोराइसिस से प्लेक अक्सर कोहनी, घुटनों, स्कल्प, पीठ, हथेलियों और पैरों पर विकसित होता है। किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज की तरह सोराइसिस तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है। वैसे इम्यून सिस्टम का काम होता है संक्रमण जर्म्स पर अटैक करना। जब आपका अपना सिस्टम अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगे तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जाना जाता है। सोराइसिस कई तरह के होते हैं, प्लेक सोराइसिस, गुटेट सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, नेल सोराइसिस। सोराइसिस के कुछ प्रकार हैं। इनके लक्षणों को जानकर आप इनसे बचाव कर सकते हैं। तो सोराइसिस के लक्षण क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं। सोराइसिस के लक्षण उसके प्रकार का आधार होता है सोराइसिस के लक्षण उसके प्रकार पर आधारित होता है। हालांकि कुछ सामान्य लक्षण हर तरह के सोराइसिस में नजर आते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। शरीर के किसी हिस्से में धब्बेदार दाना हो सकता है। वैसे हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का दाना होता है। जैसे जैसे रूसी पपड़ीदार धब्बे होने, इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों में बड़े बड़े दाने हो सकते हैं। शरीर में हो रहे रैसेस अलग अलग रंग के हो सकते हैं। इसमें ब्राउन, ब्लैक, ग्रे कलर शामिल है। छोटे प्रकार के दाने या फिर छोटे हिस्से में रैसेस हो सकता है। इस तरह के लक्षण आमतौर पर बच्चों में दिखाई देते हैं। सूखी फटी हुई स्किन जिसमें से खून आ सकता है। इसमें खुजली, जलन या खराश भी हो सकती है। कई बार स्किन में साइक्लिक रैशेस हो जाते हैं जो हफ्तों से महीनों तक बढ़ते रहते हैं, फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सोराइसिस से कैसे करें बचाव? वैसे तो सोराइसिस के प्रकार पर उसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। हालांकि सोराइसिस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप कुछ विशेष किस्म के उपाय आजमा कर इनसे बचाव कर सकते हैं। सोराइसिस से बचाव के लिए आप रोजाना नहाएं, अपनी त्वचा को जोर जोर से रगड़े नहीं बल्कि हल्के हाथों से रगड़े। आप स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखें, स्किन को ड्राई न होने दें। ड्राइनेस की वजह से सोराइसिस की समस्या बिगड़ सकती है। रात को सोते समय हमेशा अपनी प्रभावित हिस्से को ढककर रखें। अगर किसी को सोराइसिस है तो उन्हें धूप के संपर्क से बचना चाहिए। अगर धूप में ही जाना है तो प्रभावित हिस्से को ढककर रखें। सोराइसिस शरीर के जिस भी हिस्से में हुआ है वहां आमतौर पर खुजली होती है, लेकिन आप खुजलाएं नहीं। उन चीजों से हमेशा दूर रहें जो सोराइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। सोराइसिस से बचाव एक अचूक नुस्खा यही है कि अच्छी जीवन शैली अपनाएं, अपने खान पान की आदतों को बदलें, जितना आप हो सके हाइजीन का ख्याल रखें। सोराइसिस स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम है जो जड़ से खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। हालांकि जिसे सोराइसिस है उन्हें अपने डाइट में भी ज्यादा फलों को शामिल करना चाहिए। करेले, खीरे, चुकंदर का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन ई को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए। इसके लिए अखरोट, नट्स खा सकते हैं।
सोरायसिस के लक्षण उसके प्रकार पर निर्भर करता है। हालांकि सोरायसिस होने पर आमतौर पर त्वचा में छोटे या बड़े धब्बेदार दाने हो सकते हैं, खुजली होती है और जैसी त्वचा पर नजर आती है। सोरायसिस को ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण सोरायसिस हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।